आज हम देखते हैं ये सुंदर सा फोल्डेबल ऑल टेबल। ये टेबल बनाने के लिए हमें 900 रुपए खर्चा लगा है, तो आइए देखते हैं ये टेबल हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले इसके लिए आपको लगेगा 1.25 इंच का मोटाई का प्लाई और इसकी साइज है 18x30 इंच की। इसी के साथ उस पे लगाने के लिए एक सनमाइका का टुकड़ा जिसकी साइज प्लाईवुड के साइज से बड़ी हो। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी प्लाईवुड की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और इसके बाद जो चीज़ें आपको लगेगी वो सनमाइका चिपकाने के लिए रबर ग्लू। यहाँ पे हमने सैप 7 ब्रांड का रबर ग्लू यूज़ किया है। इसके अलावा स्टिकिंग टेप, लकड़ी को लगाने के लिए स्क्रूज, दीवार के स्क्रूज, पैकिंग मटेरियल और वुड कटर यानी कि करवट। टेबल को दीवार से जोड़ने के लिए और टेबल को बंद चालू कर सके इसलिए हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने 20 इंच के साइज वाले टेबल ब्रैकेट्स लिए हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी मजबूत है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर के लोकल दुकान में मिल जाएंगे, नहीं तो इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हमने हार्डवेयर की दुकान से 550 में लिया है। टेबल के कोने आते जाते ना लगे इसलिए हम इसे सर्कुलर शेप में यानी कि गोलाकार काट लेते हैं। दोनों साइड के कोनों को काटने के लिए हमें करीबन 1.5 घंटा लगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमने दोनों कोनों को काट लिया है और इसी साइज में हमने सनमाइका को भी काट लिया है। अभी हम प्लाई और सनमाइका दोनों को रबर ग्लू लगा रहे हैं। रबर ग्लू लगाने के बाद आपको 10 मिनट तक ग्लू को सूखने देना है और 10 मिनट बाद सनमाइका और प्लाई को इस तरह से चिपका दीजिए। फिर इसको इस तरह से स्टिकिंग टेप लगा के 2 घंटे तक सूखने के लिए रख दीजिए। तो अभी हम इसके साइड में सनमाइका लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सनमाइका को साइड के साइज के अनुसार काट लिया है। इसे भी आपको ग्लू लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। सेम उसी तरह से प्लाई के साइड पे भी हम ग्लू लगा रहे हैं। अभी इन पट्टियों को साइड में चिपका देंगे। जहाँ पे पट्टियाँ बड़ी थी वहाँ से हमने पट्टियों को घिसकर लेवल में कर लिया है और सनमाइका पर जो प्लास्टिक कवर था वो हमने निकाल लिया है। अभी हम पीछे के और ये ब्रैकेट्स लगा देंगे। ब्रैकेट्स लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीधे लगे। Thank you.
जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट्स पे स्क्रू है, उसके अनुसार प्लाई में आपको ड्रिल कर लेना है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम ब्रैकेट्स को प्लाई के साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो दोनों ब्रैकेट्स हमने जोड़ दिए हैं। अभी हम इसे दीवार पे फिक्स कर लेते हैं। दीवार पे लगाते समय हम पहले इसके ऊपर वाले स्क्रू लगाते हैं। इस टेबल की साइज 30 इंच की है और हमें ये फ्लोर से 30 इंच की हाइट पे लगाना है। तो बीच में आधे इंच का गैप रहे तो कुछ ऐसी चीज़ आप इसके नीचे रख के दीवार पे माप लीजिए कि ब्रैकेट आपको कहाँ तक लगाने हैं। हमने दीवार पे पहले ड्रिल मशीन से होल कर लिए हैं। सपोर्ट के लिए आप इस तरह का टेबल यूज़ कर सकते हो। अभी हमने सारे स्क्रूज फिट कर लिए हैं। अगर आपको टेबल बंद करना है तो यहाँ पे दिए गए इस प्लास्टिक को बाहर की ओर खींचना है, जिससे ये टेबल आसानी से बंद हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेबल बहुत ही सुंदर दिख रहा है और इसे मेरे घर में काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।